कामरान भाई जब डायरेक्शन देते थे कि मुंह में पान होता था ज्यादातर, तो वो तो ये था, बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ करते थे, मुझे नहीं समझ आ रहा होता था, तो मैं सोचता था ऐसे ही बोलना है जैसे, तो मैंने बोला यार मुंह में पान मैं भी डाल लेता हूँ, तो वो वाला बंगाली वाले जो है वो आ जाएगा। तो और कन्वेंशनली आपका जो फिल्म का इमेज ज्यादा बनता है वो विलन, जिसे हम उर्फे आम में कहते हैं, तो इसमें कामरान शाहिद साहब की जो ये फिल्म है, इसमें दूसरों से आपका कैसे डिफरेंस है? सबसे पहली बात तो ये कि जो चैलेंज था वो ये था कि जी एक बंगाली लगना है, ठीक है जी, और बंगाली लगने के लिए बहुत सारा गेटअप जारे चाहिए होता है, वो कामरान साहब ने कहा कि नहीं मैं नहीं चाहता कि मैं आपको आपकी स्किन को मैं ऐसा करूँ या मैं आपको जो है इसी में रहते हुए आपने अच्छा आप जाहिर है जब हम कोई एक्सेंट अडॉप्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बंगाली खास एक्सेंट जो है ना वो कभी कभी कॉमेडी की तरफ भी चला जाता है, इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह आएगा, तो लोग उसको कभी कभी वो फनी एलिमेंट में चले जाते हैं, उसके दरमियान उसको सीरियस रखना बड़ा एक एक चैलेंज था। कामरान भाई जब डायरेक्शन देते थे कि मुंह में पान होता था ज्यादातर, तो वो तो ये था, बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ करते थे, मुझे नहीं समझ आ रहा होता था, तो मैं सोचता था ऐसे ही बोलना है जैसे, तो मैंने बोला यार मुंह में पान मैं भी डाल लेता हूँ, तो वो वाला बंगाली वाले जो है वो आ जाएगा, तो इनका बड़ा मजा आता था मुझे। बहुत सीरियस बातें हो गई थी, मैंने कहा अच्छा सर ये बताइएगा, मैं चाहूंगा इनके चेक में से पैसे काट लीजिए। फिल्म के कुछ आम करेक्टर अपने अपने करेक्टर में बहुत ही अच्छे फिट नजर आए, कोई कमी नजर नहीं है। ये फिल्म मौला जट से भी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है इसका, और इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ी फिल्म साबित होगी।